हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिनस्टॉक इन्वेस्टमेंट। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही खास एक ऐसे शेयर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलने की चांसेस हैं। अगर आपको ये शेयर पसंद आए तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को कंसल्ट करके ही लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ बताने आया हूँ कि टेक्निकल चार्ट्स कैसे पढ़ते हैं, उसके बेस पे कैसे डिसीजन ले सकते हैं। सो आज मैं एक शेयर, एक फार्मा शेयर है ब्लिस जीवीएस फार्मा, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सो रिसेंटली जो अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है स्टॉक मार्केट में, उसी बीच में एक शेयर है ये ब्लिस जीवीएस, जो अपने हाईएस्ट लेवल से करीब 56% डाउन आ चुका है, जो कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये इसके मार्च के लेवल के आसपास ही हैं जब कोरोना पैंडेमिक हिट हुआ था और सारे शेयर्स अपने लोएस्ट लेवल पे चल रहे थे, तो उसी के आसपास ये अभी चल रहा है। इस शेयर में रिसेंटली काफ़ी बाइंग देखने को भी मिली है। आप यहाँ पे अगर इसके वॉल्यूम्स पे एक बार नज़र डालेंगे तो ये वॉल्यूम देख सकते हैं, ये करीब 13 मिलियन वॉल्यूम पे ये काफ़ी बाइंग हुआ है 17 मार्च को इसमें। सो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। इस वीडियो में मैं आपको टेक्निकल के अलावा इसके कुछ फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स भी आपको बताऊंगा कि ये शेयर क्यों बाई करने के लिए अभी अच्छे लेवल्स पे है। सो चलिए, ये तो बता दिया कि आपको ये शेयर करीब 60% डाउन आ चुका है अपने हाइएस्ट लेवल से। और अगर आप ये लेवल्स जो देखेंगे, ये इसके 2016 का लेवल के आसपास है, 2019 का भी लेवल लोएस्ट लेवल इतना ही था, उसके बाद 2016 में भी इस लेवल को ये टच कर चुका है। सो ये ऑलमोस्ट अपने 2016 के लेवल्स पे आ चुका है, सो करीब 4-5 साल पहले के लेवल्स पे। सो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी है इस शेयर में, लेकिन आप कॉशियस रहिएगा। अगर ये शेयर गिरता है इसके नीचे तो इसका जो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो इस लेवल्स पे रहेंगे, वो लेवल है अराउंड ये, दिस इज़ अराउंड 74। सो अगर नीचे गिरता है तो 74 तक के जाने के चांसेस है, लेकिन अगर उसके आप करंट लेवल से कंपेयर करेंगे तो ये करीब 31-32% और डाउन जा सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होता है और ये अपने मैक्सिमम लेवल पे जाता है तो गेन के चांसेस अराउंड 125.96% है, तो काफ़ी अच्छे गेन्स के चांसेस है। और डाउन ट्रेंड जाने के चांसेस अभी काफ़ी कम है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि अभी बुल मार्केट चल रहा है और काफ़ी बाइंग हो रही है शेयर्स में, तो डाउन ट्रेंड होने के चांसेस काफ़ी कम है। लेकिन अगर ये नीचे जाती है तो ये इस लेवल्स को भी छू सकती है, क्योंकि करीब 32% डाउन में है। चलिए अब इसके कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका मार्केट कैप आप देखेंगे तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1075 करोड़ इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 104 है। अगर बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट बुक वैल्यू से 30% अभी अप है, लेकिन बुक वैल्यू के आसपास ही चल रहा है। कोई भी फार्मा कंपनी आपको अपने बुक वैल्यू के आसपास नहीं मिलता है नॉर्मली, सो काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी अच्छा है, 18.3%, और पीई भी काफ़ी सस्ते लेवल्स पर मिल रहा है। उसके बाद अगर आप इसके पीएस से कंपेयर करेंगे तो इसके पीएस के पी आप देख सकते हैं काफ़ी हाई पे हैं और इसका पी काफ़ी लो पी में मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे तो इसका सेल्स लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, 219 करोड़ था 2011 में, जो इंक्रीज़ होते होते आज मार्च 2020 में 700 करोड़ के आसपास हो गया था। सो सेल्स में काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी ये ऑलमोस्ट हर साल पॉजिटिव नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है और काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ भी नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है।
उसके अलावा अगर आप इसके बैलेंस शीट पे नज़र डालेंगे तो इसके रिजर्व्स को आप देखेंगे तो रिजर्व्स इसने काफ़ी अच्छे अमाउंट में इंक्रीज़ किया है। 156 करोड़ 2011 में था जो अभी 758 करोड़ हो गया सितंबर 2020 में। सो काफ़ी अच्छे रिजर्व्स है कंपनी के पास जो अपने इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर सकती है और अपने फर्दर ग्रोथ के लिए इसको यूज़ कर सकती है। कैश फ्लो भी कंपनी का पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं। सो कैश फ्लो भी ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कंपनी का अच्छा है। उसके अलावा अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी घटाई है, जो कि वो दिसंबर क्वार्टर में घटा था, लेकिन अभी है मार्च। सो दिसंबर के क्वार्टर में ये अपने हाईएस्ट लेवल पे चल रहा था, उस समय इसके प्रोमोटर्स ने होल्डिंग घटाई है और अभी ये अपने लोवेस्ट लेवल पे चल रहा है। सो अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी बन रही है। पब्लिक के पास शेयर्स बढ़ गए थे दिसंबर में, 37% हो गया था, जो इसके प्रोमोटर ने घटाया उतने ही पब्लिक ने खरीद लिया। उसके बाद DIIs और FIIs के पास ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है शेयर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बताने के लिए वीडियो बनाया था। वी होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।